देश भर में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। कांकेर जिले की नरहरपुर में 600 से भी अधिक शव का पोस्टमार्टम करने वाली संतोषी दुर्गा को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसको लेकर नरहरपुर के ग्रामीण भी उत्साहित नजर आए। निमंत्रण पत्र प्राप्त होने के बाद नगर पंचायत के लोगों ने संतोषी दुर्गा को सम्मानित किया और कहा कि हम गौरवान्वित हैं कि नगर की बेटी इस ऐतिहासिक स्थल पर श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहेगी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही संतोषी दुर्गा ने कहा कि ये मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश हूं, लोगों ने मुझे बधाई दी और मैं श्री रामलला के पास सबकी अर्जी लेकर जाऊंगी। बात करके आंख नम थी, कहा ये मेरी खुशी की आंसू है। संतोषी दुर्गा जी, आपको अयोध्या से निमंत्रण आया है जी, कितना आपको कैसा अनुभव हो रहा है? वही तो मैं बोली थी कि मतलब सपनों में भी मैं नहीं सोची थी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने मुझ इस तुच्छ गरीब पर कृपा किया और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त मिला उनके चरणों में जाने के लिए, तो मैं बहुत खुशी हूँ। आप पोस्टमार्टम जैसा काम करती हैं जी, माँ दुर्गा के स्वरूप में आपका संतोषी दुर्गा नाम भी है जी, तो आपका दिल नहीं दहलता? आपको डर भय नहीं लगता? नहीं, डर भय नहीं लगता। तो ये काम आपको क्यों करना पड़ रहा है? वही मैं बताई कि जो बेटा होते हैं तो बेटे, बड़े बेटे की जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं, बड़े बेटे का क्या फर्ज रहता है कि परिवार को कैसे चलाए और कैसे समेट के रखे। तो हम, हमारे बीच तो भाई नहीं है, बहन, हम छह बहन हैं, छह बहन में सबसे बड़ी मैं ही हूँ और हमारे यहाँ पापा थोड़ा स्वास्थ्य विभाग में थे, वो ड्रिंक वगैरह लेते थे, इसीलिए यही बीच में मैं ये काम को मतलब बखूबी निभाई और पापा आज के बाद नहीं पीना, ये काम आप छोड़ दो। तो फिर उसके बाद अगर छोड़ दिए दारू को तो पापा हमारे बीच नहीं रहे, इसीलिए एक काम को मैंने निरंतर जारी रखा है और कर रही हूँ। ये काम आपने अपने पिताजी से? जी, अपने पिताजी से ही सीखा है। राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला है, आप नगर पंचायत नरहरपुर के लोगों और जिले के लोगों के लिए क्या अर्जी लेकर जाएंगे? जी, अब बोलेंगे कि हमारे नगरवासी लोग हमेशा सुख शांति रहे और उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी तरक्की दिए, और बस यही अर्जी लेकर इन लोग के लिए मैं जाना चाहती हूँ। हम लोग को तो बहुत खुशी है कि हमारी नगर पंचायत से हमारी बहन संतोषी दुर्गा का को अयोध्या जाने का और वहाँ से निमंत्रण मिला है। शासन द्वारा उनको सब चीज़ मतलब पास वगैरह गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था पूरी हो गई है, तो हम सब नगरवासी संतोषी दुर्गा को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए कहते हैं कि वो हम सब नगरवासियों के लिए विनती लेके जाए हमारे नगर पंचायत नगर से कि वो हमारे नगरवासी सब लोग सुखी रहे और सबकी मनोकामना भगवान राम जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इतनी में कहते हैं। कहते भी हैं ना कि कदम ऐसा रखो कि इंसान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और जीने के तो जीते हैं यहाँ पे सभी लोग, पर जियो ऐसा कि आपका जीना दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। और निसंदेह हमारे बहन श्रीमती संतोषी दुर्गा जी एक ऐसा सराहनीय कार्य किए हैं जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे पूरे नरहरपुर के लिए, पूरे जिला के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे नरहरपुर की हमारी दीदी श्रीमती संतोषी दुर्गा जी का को भगवान श्री रामचंद्र जी का बुलावा आया है। जिस जगह को जानने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसी जगह हमारे बहन श्रीमती संतोषी दुर्गा जी जाने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी का ही बात है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।